दोस्तों डंकी पर एसएस राजा मौली ने बड़ी बात बोल दी। राजा मौली कहते हैं इस बार डंकी ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनीज हो सकती है, क्योंकि राजकुमार हिरानी की जो डंकी की डॉक्यूमेंट्री है वो काफी कमाल की है और इसमें वो सब कुछ दिखाया जाने वाला है जो कि किसी आम आदमी की जिंदगी में होता है। चार गरीब दोस्त अपने सपनों के खातिर कैसे विदेश जाना चाहते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा संकट का समय उन पर आता है जो देखकर आप चौंक जाने वाले हो। राजा मौली शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहते हैं, शाहरुख जैसा बॉलीवुड में कोई भी एक्टर नहीं है और मैं भी शाहरुख के साथ काम करना पसंद करता हूं। इस बार राजकुमार हिराने और शाहरुख खान मिलकर बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और राजकुमार हिराने जो स्टोरी बनाते हैं वो हर किसी को बहुत अच्छा सामाजिक संदेश भी देती है और उसी के साथ काफी कुछ सिखा भी जाती है। थ्री इडियट्स भी ऐसी ही मूवी थी जिसमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात की गई थी और इस बार डंकी में भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। डंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि भारत को छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं और वहां पर जाने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो कि मुसीबतों से भरा पड़ा होता है और फिर लंदन पहुंचने के बाद भी वो मुसीबतें खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दोबारा भारत वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। फिर रेगिस्तान के रास्ते से इंडिया बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसे टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। मतलब कि राजू हिरानी ने जो स्टोरी क्रिएट की है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और इस बार डंकी इंडिया की नंबर वन मूवी बन सकती है क्योंकि इसमें रोमांस और एक्शन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर भर के दिखाई गई है और इस बार लग रहा है कि डंकी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। शाहरुख बॉलीवुड के वो सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने एक साल में दो बड़ी ब्लॉकबस्टर देकर बॉलीवुड का डूबता हुआ सितारा बचाया और फिर अब बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर राजकुमार हिराने के साथ डंकी लेकर आ रहे हैं, पहले पठान, उसके बाद जवान और अब डंकी। मानो शाहरुख अब सुनामी बन चुके हैं और बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से अस्तव्यस्त करने आ रहे हैं। शाहरुख ने इस बार इंडस्ट्री में इतनी कमाई कर ली है जो कि सदियों तक कोई नहीं कर पाएगा और शाहरुख का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस फटने वाला है क्योंकि शाहरुख ने जो धमाका किया है वो पूरी इंडस्ट्री को हिला देगा। दोस्तों राजा मौली तो डंकी को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है डंकी कितनी कलेक्शन कर सकती है कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डंकी की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।